हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रभा जी। आज 16th जुलाई के करंट अफेयर्स मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, जो फर्स्ट है और इसमें आपको फर्स्ट दिख रहा होगा, वैसे 17th नंबर है उसका। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति का अनावरण, मतलब किसने इलेक्ट्रॉनिक वाहन के का यूज़ करने के लिए एनकरेज करने की शुरुआत की है, और नीति ईवी नीति 2021 भी आएगा इसमें। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स नीति 2021 का अनावरण किसने किया है, वो महाराष्ट्र ने किया है। पहला अनाज ATM किसने स्टार्ट किया है, गुरुग्राम ने किया है, और 40 किलो जो अनाज है एक बार में निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है, वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन का उद्घाटन किसने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना किसने स्टार्ट की है, कर्नाटका ने की है। अभी लद्दाख ने 2025 तक UT को ऑर्गेनिक, मतलब अपनी यूनियन टेरिटरी को ऑर्गेनिक बनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है, सिक्किम के साथ समझौता किया है, क्योंकि सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जो ऑर्गेनिक है बिल्कुल, तो लद्दाख ने उसके साथ समझौता कर लिया है। उर्दू पोइट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेकन, ये बुक किसने लिखी है, JS इफ्तिखार ने। साल्ट कार्यक्रम शुरुआत किसने की है, साल्ट से नमक नहीं है, ये एक एजुकेशन में मॉडिफिकेशन करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है, और ये किया है आंध्र प्रदेश ने, और किसके साथ मिलके किया है, ये वर्ल्ड बैंक से इन्होंने मिलके किया है। ये इंडिया BWF मतलब बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप होस्ट करने वाला देश है, जो 2026 में करेगा, और पहले इंडिया नहीं कर रहा था, लेकिन अब जैसे 2026 में कौन कर रहा है बैडमिंटन को, वर्ल्ड चैम्पियनशिप को, इंडिया कर रहा है। और 2023 में एक सुद्रीमन कप है जिस जो स्टार्ट होने वाला है, वो कौन करेगा, वो चाइना करेगा। किसने अपॉइंट किया है राज्यसभा में, राज्यसभा के सदन में नेता कौन चुना गया है और किसकी जगह चुना गया है, देखो पीयूष गोयल जी चुने गए हैं, और थावरचंद गहलोत है, उनकी जगह पीयूष गोयल को लाया गया है। पीयूष गोयल पहले केंद्रीय, अभी जो रिसेंटली उनके पास आए, क्योंकि अभी तो मैं पता है 7 जुलाई को मंत्रिमंडल चेंज हुआ है, तो पीयूष गोयल जी केंद्रीय कपड़ा मंत्री थे, वाणिज्य उद्योग मंत्री अब उनके पास है, हाँ पहले वो रेल मंत्री थे, अब ये 3 जो मैंने लिखे हुए वो उनके पास हैं। और आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग 6 साल तक राज्यसभा का सदस्य बना रहता है। राज्यसभा में सदस्य कितने होते हैं, 250, 238 तो सिलेक्टेड होते हैं और 12 मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है भाई, जो ये मिनिस्ट्री वाला है ये ज़रूर कर लेना, जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछा जाएगा गारंटीड। कौन सी कंट्री है जो 2 दिन का 15 से 16 जुलाई का सेंट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रही है, वो है उज्बेकिस्तान। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक अलग आयोग की नियुक्ति की है, और नियुक्ति का जो भी उनका टाइम पीरियड है उसका विस्तार किया है, तो वो है आर्टिकल 340 के अकॉर्डिंग, कि अगर जो पिछड़ा वर्ग है उसकी स्थिति को आप चेक कर सकते हो, और अगर अभी रिसेंटली क्या है, जुलाई तक का सेशन था लेकिन उसको 6 महीने बढ़ा के जनवरी तक का कर दिया है, और उसमें मतलब भाई जांच करोगे कि पिछड़े वर्ग की जो कंडीशन है वो चल कैसी रही है। आर्टिकल कौन से के तहत, 340 के तहत। एक नया वायरस आया है, साइटोमेगाली वायरस, ये वायरस आफ्टर कोरोना वायरस देखा जा रहा है कि उन पेशेंट में ही हो रहा है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है इसी वजह से हो रहा है, और ये हमारे आईज डाइजेस्टिव सिस्टम और लंग्स को इफ़ेक्ट कर रहा है, और जो इसके सिम्टम्स हैं वो सेम वैसे हैं जैसे नॉर्मल हमारे कोरोना वायरस के होते हैं। एक गगनयान मिशन है, इसकी घोषणा कब की गई थी, 15 अगस्त 2018 को की गई थी। गगनयान मिशन का क्वेश्चन कुछ और है, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि गगनयान मिशन जो मिशन है वो इसरो ने कब घोषणा की थी इसकी, और ये तीसरी बार अभी करा गया है, और तीसरी बार भी ये सफल रहा है इसका परीक्षण। एक हमारा लेमरू हाथी रिजर्व है, ये जो लेमरू हाथी रिजर्व है इसकी जगह को घटाने की बात की गई है, तो जो लेमरू हाथी रिजर्व है ये कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। यहाँ पे एक पाइपलाइन बिछनी थी, और इस पाइपलाइन को जगह देने के लिए, क्योंकि वो जगह जब कम होगी तब पाइपलाइन बिछेगी, इस वजह से इसको जगह घटाने की बात की है, और तो कौन सा राज्य है, वो है छत्तीसगढ़।
कौन ऐसे हमारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 में 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड तय कर लिया है, वो है क्रिस गेल। नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे कब मनाया जाता है इंडिया में? 15 जुलाई को, और अब इसको शायद वर्ल्ड डे भी घोषित कर दें, वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे। उसके बाद कोकिंग कोल के लिए भारत और रूस का समझौता हुआ है। कोकिंग कोल क्या है भाई? प्योर स्टील को बनाने के लिए कोकिंग कोल की ज़रूरत होती है, तो इसको बनाने के लिए जो भारत और रूस उन्होंने समझौता किया है, और इसमें ना वर्ड तुम्हारा MOU भी यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन करने में वो, तो MOU का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही समझौते वाली बात पूछेगा, तब उसमें तुम कहोगे भारत ने रशिया के साथ समझौता किया है किसके लिए, ताकि शुद्ध स्टील को बना सके, स्टेनलेस स्टील को नहीं, शुद्ध स्टील को। मैंने 16 के किए हैं, रेगुलर मैं करूँगी ही, लेकिन इससे पहले वाले भी मैं कवर कर लूँगी, तो डोंट वरी, जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें तुम बिल्कुल रीसेंट देखना, स्पोर्ट्स के ज़रूर देखना। और अभी मैं ना क्या करूँगी, जो भी पेपर हुए ना उनके करंट अफेयर भी एक वीडियो में डालूँगी, ताकि क्या पता रिपीट हो जाएँ अभी जो हमारे जुलाई में होने वाले हैं एग्ज़ाम, ठीक है। थैंक यू सो मच, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, कोई क्वेरी है तो ज़रूर पूछो। थैंक्स अ लॉट।